हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया कंपेटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में इंडिया के कौन कौन से एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, हमारा ये टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, वो ये है कि आपको जो असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। आपको असाइनमेंट्स के लिए 1 रुपए भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, है ना। उसके अलावा भी बहुत बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। आप इसको पूरा देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको यूट्यूब पे टाइप करना है कॉमर्स ई पाठशाला। आप जैसे यूट्यूब पे कॉमर्स ई पाठशाला टाइप करके सर्च करेंगे, हमारा ये लोगो आपको दिखेगा और हमारे चैनल का नाम दिखेगा। आपको हमारे नाम के ऊपर क्लिक करना है और इस वाले पेज पे आ जाना है ना। इस वाले पेज पे आने के बाद हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन इस तरीके से दिखेगा रेड रेड कलर का, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है इसको दबाना है, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना हो, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ या फिर जब भी मैं अपलोड करता हूँ, राइट। उसके बाद आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो, आप ज्वाइन वाले मेंबर पे क्लिक करके बटन पे आप क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। कॉमर्स की पाठशाला कॉमर्स 11-12 के लिए है, बीकॉम के लिए है और एमकॉम के लिए है। तो एमकॉम के लिए देखो, एक बहुत ही नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना है ना। तो यहाँ पे जब आप इस फी को पेमेंट कर देंगे इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस, तीन जो बेनिफिट, सबसे बड़े बेनिफिट जो आपको मिलते हैं वो ये है कि आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आपको नोट्स अगर आपको हमसे चाहिए तो वो बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे, एटलीस्ट 30% डिस्काउंट पे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 24/7। आप समझ रहे हो, 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा कि चाहे आपके दिमाग में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो रिगार्डिंग और असाइनमेंट, रिगार्डिंग और एडमिशन, रिगार्डिंग और सेकंड ईयर एडमिशन, रिगार्डिंग एनी थिंग, आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व यहाँ से कराने की कोशिश की जाएगी। आपको इग्नू के अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक लेवल पर छोटी से छोटी अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी। आपको जो है ऑन डिमांड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन केस अगर आपको चाहिए, है ना। तो आपको सिंपल सिंपल सा प्रोसेस क्या है, आपको हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारा मेंबरशिप प्लान लेना है। और यहाँ पे लेने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे chat.whatsapp, ये जो व्हाट्सएप का लिंक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके हमारा जो व्हाट्सएप है ग्रुप जो बनाया गया है एक्सक्लूसिवली इग्नू के एमकॉम मेंबर्स के लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स को फायदा मिल चुका है और वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर वीडियोस देखने में दिक्कत हो रही है, आपको अगर वीडियोस एक लाइन में चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है ना। ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इग्नू एमकॉम आपको दिखेगा। इग्नू एमकॉम नाम के ऊपर आपको क्लिक करना है, जो कि सेक्शन का नाम है। यहाँ पे आपको आईबीओ वन से लेकर के IBO 6, 2, 3, 4, 5, 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक 6 के 6 और 6 12 सब्जेक्ट्स के आपको जो है यहाँ पे एक तरीके से आपको ये मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस हैं। इनको अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा जो हमारा एडवांटेज है वो क्या है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सो द डिस्कशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपोर्टिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हाइल डिस्कसिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस सेक्टर, देयर एक्सपोर्ट एज वेल एज देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। It is neither difficult that greater advantage, a general advantage and disadvantage of such wide variety of services. मत पढ़ो यार, उसको बेकार है वो। तो जो सबसे बड़ा जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है वो ये है कि पहला नंबर देखो क्या लिखा हुआ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज सेक्टर इज दैट दे आर जनरली लेबर इंटेंसिव। सर्विस सेक्टर जो होता है वो जनरली क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब वहां पे कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लेबर की। और इंडिया में आपको पता है कि हमारे पास लेबर बहुत ही ज्यादा है, और लेबर ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा लेबर है, हमारे इंडिया पे लेबर जो है वो बहुत ही चीप लेबर है। सो इंडिया इज एंडाउड विथ लेबर, हमारे पास जो है लेबर भरा पड़ा है। फर्दर मेनी सर्विसेज सेक्टर्स नीड नॉट ओनली अनस्किल्ड बट ऑल्सो सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे उनको अनस्किल्ड लेबर सिर्फ नहीं चाहिए, उनको वहां पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर भी चाहिए। इंडिया नॉट ओनली प्रोसेसेस अनस्किल्ड लेबर, हमारे पास अनस्किल्ड लेबर ही नहीं है, इट ऑल्सो हैज अ वास्ट पोटेंशियल ऑफ सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर। हमारे पास वास्ट पोटेंशियल है स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर को भी प्रोवाइड
करने का। अभी के टाइम पे आपने नाम सुना होगा, गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चला रही है स्किल इंडिया, जिसके तहत लोगों को एक तरीके से एम्पावर किया जा रहा है विद डिफरेंट स्किल्स, उनको सिखाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा स्किल लेवल अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम एक तरीके से जो इंडिया का इकोनॉमी है उसमें हम काम कर पाएंगे, उसमें हम उसमें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, यहाँ पे काम करने के लिए हमारे पास जो लेबर है वो बहुत ही ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव हमारी इकोनॉमी है, और हमारे पास सिर्फ अनस्किल्ड ही नहीं, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर भी हमारे पास है ना। दिस गिव्स द इंडियन सर्विस सेक्टर एन एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर इन अ नंबर ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। तो हमें इस बात का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे किसी डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड कंट्री के से हमारे इंडिया को, तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमारे पास एक तरीके से जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, और लेबर की संख्या भी बहुत ही ज्यादा है, और लेबर भी बहुत सस्ते में अवेलेबल है, राइट। तो ये सबसे पहला कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो गया। दूसरा जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है वो ये है कि द लार्ज इंडियन डोमेस्टिक मार्केट फॉर अ नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड एडिक्वेट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड लर्निंग कैपेसिटी टू मैनेज अ लार्ज नंबर ऑफ एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर। तो चूंकि हमारे यहाँ पे देखो जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इतना बड़ा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, तो जो डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा होने के कारण एक एडिक्वेट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है हमारा हमारा है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इकोनॉमी को कुछ अगर दिक्कत हो गया, किसी एक इंडस्ट्री को कुछ दिक्कत हो गया तो हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल कर जाएगी, है ना। चूंकि हमारा इंडियन डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, तो उससे हमें जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलता है ना, और हमारे पास लर्निंग कैपेसिटी है कि हम उस चीजों को सीख सकें, समझ सकें कि सर्विस सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकें। तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत ही लार्ज है, और यही हमारा दूसरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी है। तीसरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है इन सम स्पेसिफिक एरियाज, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में सच एज टूरिज्म, इंडिया पोजेस अ लार्ज नंबर लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज इन्यूमरेबल कल्चरल एंड आर्टिस्टिक प्लेसेस, है ना। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में अगर नेचुरल मतलब टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे लोग देखने के लिए जाते हैं चीजों को, आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि इंडिया में उससे कहीं अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको हम देखते ही नहीं है, या फिर हम एक तरीके से मन हमारे मन में एक तरीके से मोह है कि भाई फॉरेन में जो है बहुत ज्यादा अच्छा लोकेशन है, अच्छा चीजें हैं, वहाँ पे नेचुरल कल्चर है, वहाँ पे जाकर के चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, बहुत ही कल्चरल हेरिटेज है हमारा, जिनको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, है ना। इसलिए बाहर से लोग हमारे इंडिया में आते भी हैं। तो हमारे पास जो डाइवर्सिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की और कल्चरल एंड आर्टिस्टिक प्लेसेस की, वो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा है। हर एक राज्य में आपको एक से एक मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे, एक से एक जगहें मिल जाएंगी जहां पर टूरिस्ट प्लेसेस एक तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है। दिस वुड अट्रैक्ट द टूरिस्ट ट्रेड। अब इसके कारण से क्या होता है, हम अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट ट्रेड को, है ना। द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होटल्स एंड मोटेल्स ETC। अब इसके कारण से हमारे जो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है प्रोवाइड की जाती है ट्रांसपोर्ट के नाम पे, होटल्स या मोटेल्स के नाम पे, इज डेवलपिंग टू मेक इंडियन टूरिज्म अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन सब चीजों को बिल्डअप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ताकि हम जो है अट्रैक्ट कर सकें फॉरेन टूरिस्ट को कि वो इंडिया में आए और आकर के यहाँ पे रहें और चीजों को देखें समझें और उनको यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है उनको यहाँ से मिले, है ना। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, पूरी दुनिया में तो गिने चुने ऐसे जगह मिलेंगे जहां पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इंडिया में इतने सारे जगह हैं ना कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। द कॉस्ट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ द रूपी इज वेरी लो, है ना। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ टूरिज्म है हमारे इंडिया में वो बहुत ही कम है, राइट। क्योंकि अगर आप $1 देते हो तो हमारे इंडिया में अभी आपको ₹75 मिल जाएंगे, तो ₹75 में आप क्या नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये सारी बेनिफिट्स जो हैं ये हमारा वन ऑफ द बेनिफिट है। चौथा नंबर जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है वो ये है कि इन नंबर ऑफ केसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू डू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो एक तरीके से सर्विसेज को प्रमोट करती है, हम जो सर्विस कर रहे हैं उस सर्विस को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर, तो हमें जो है डिफरेंट गवर्नमेंट सब्सिडीज आती है ना, दी जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो भी एक तरीके से सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट करती है, तो ये भी वन ऑफ आवर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है ना। अब एडवांटेज की बात कर ली है तो भाई क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, हमें उसके भी बात करनी होगी। तो चलिए फिर डिसएडवांटेज को देख लेते हैं कि सर्विस सेक्टर में ऐसे कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है द मोबिलिटी ऑफ लेबर टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ वीजा पॉलिसीज ऑफ इंपोर्टिंग गवर्नमेंट्स, देयर गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू लिबरलाइज देयर वीजा पॉलिसीज।
एक्सपोर्ट सर्विसेज में जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो ये है कि हमारे पास लेबर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उस लेबर को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। देखो, जब इंडिया से कोई लेबर निकल करके जाता है सऊदी अरेबिया में, या फिर यूएई में, या फिर जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे, तो वो वहां जाकर के वहां के पैसे कमाता है, और उस पैसे को वो भारत इंडिया में भेजता है, हमारे इंडिया में वापस भेजता है। तो वो क्या कर रहा है, वो बाहर से पैसे कमा करके हमारे इंडिया में भेज रहा है ना, तो इससे हमें बेनिफिट हो रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज आपको मिलेंगी जहाँ पे वीजा पॉलिसी जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां की जो गवर्नमेंट्स है वो अलाउ नहीं करती है इंडियंस को वीजा देना या अलग अलग कंट्रीज के लोगों को वीजा देना, क्योंकि उनको पता है कि वहां अगर वो अलाउ करेंगी सारे काम, अगर बाहर के लोग आकर के करेंगे तो उनको नुकसान होगा, है ना। तो जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती है, वो लिबरलाइज करने के मूड में नहीं है, वो वीजा पॉलिसीज को लिबरलाइज नहीं करना चाहती। तो सबसे बड़ा जो कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेज है वो यही है कि हमारे पास लेबर तो है, लेकिन उस लेबर का हम ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ना ही डोमेस्टिक मार्केट में, ना ही इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरा, मार्केट एक्सेस डिस्पाइट गैट्स हैज नॉट बीन फ्री फॉर अ नंबर ऑफ सर्विसेज ऑफ इंटरेस्ट टू इंडिया, है ना। तो जो हमारा मार्केट एक्सेस है ना गैट्स के अकॉर्डिंग, वो फ्री नहीं है, आप उसके लिए चार्जेबल आपको जो है पैसे पेमेंट करते हैं। गैट्स का नाम आपने सुना होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ इन ट्रेड इन सर्विस, है ना, तो इसका नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जो है फ्री नहीं रहा है जो एक्सेस है गैट ने, चूंकि हमें कहा तो है, लेकिन इसके बाद भी जो एक्सेस है वो फ्री नहीं है, है ना। सर्विस ऑफ जो इंटरेस्ट होता है इंडिया में वो फ्री नहीं है। दिस इज पर्टिकुलर ट्रू इन फैक्टर सर्विसेज सच एज लेबर मूवमेंट इंक्लूडिंग स्किल्ड पर्सनल, है ना। ये एक तरीके से सही बात भी है, क्योंकि जब आप लेबर को एक जगह से दूसरे स्थान तक लेकर के जाओगे तो यहाँ पे आपको एक तरीके से काफी ह्यूज पेमेंट आपको करना भी पड़ता है ना। आपको वीजा देना है, आपको मेडिकल की फैसिलिटी देनी है, आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराना है, तो बहुत तरह की चीजें हो जाती है जिसके कारण से दिक्कत होती है। इवन शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म मूवमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाई वीजा पॉलिसीज प्रॉब्लम्स ऑफ रेसिडेंस एटीसी। तो देखो यहाँ पे एकोमोडेशन की बात की गई है ना। इवन जो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म मूवमेंट होता है, मीडियम टर्म जो मूवमेंट होता है, उसको भी एक तरीके से रोका जाता है वीजा पॉलिसीज के कारण या फिर प्रॉब्लम ऑफ रेसिडेंस के कारण। तो हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं गैट्स के अकॉर्डिंग जो है चीजें जो है फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इस चीज के फेवर में नहीं है और लोग जो है इसको एक तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट है, मेनी एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर Although are labor intensive, है ना। तो जो सर्विसेज सेक्टर के जो बहुत सारे एरियाज हैं वो लेबर इंटेंसिव है, जहां पर लेबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। दे हैव इमर्ज्ड ग्लोबली एज कैपिटल इंटेंसिव विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी के समय में जो पूरी की पूरी दुनिया है वो एक तरीके से कैपिटल इंटेंसिव होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हम मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे मशीनें आ जाती हैं लेबर का जगह लेने के लिए, है ना। फर्दर, मेनी एरियाज ऑफ दिस सेक्टर सफर फ्रॉम इनएडिक्वेट कैपिटल। अब यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में ऐसी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे कैपिटल नहीं होने के कारण वो जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है ना। तो बहुत तरह की इश्यूज हैं, एक तो हमारा स्किल्ड लेबर है, हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल की जरूरत है, वहां पे हम कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पे कैपिटल है लेबर नहीं है, वहां पे हम चीप लेबर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे हम लेबर ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे ड्यू टू वीजा पॉलिसीज एंड एकोमोडेशन सर्विसेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी बेनिफिट्स, ये सॉरी ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमें झेलनी पड़ती है जब भी हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो ये तीन मैंने आपको बताई है, और भी मैं आपको बता देता हूँ, जो रिमेनिंग पॉइंट है उनको भी मैं आपको करवा देता हूँ। चौथा पॉइंट है द रिक्वायर्ड फाइनेंस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल टू अ नंबर ऑफ एरियाज ऑफ द सर्विस सेक्टर एट लोअर कॉस्ट, है ना। तो जो फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा वो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता या फिर वो अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो वो लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मेनी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, ताइवान हैव इंप्रूव्ड देयर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाय इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटीज एंड नर्चरिंग नेसेंट सर्विस सेक्टर, है ना। तो जितनी भी सारी कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज पहले थी, अभी तो भाई डेवलप्ड कंट्री में आ जाती है साउथ कोरिया, तो वहां पे एक तरीके से उनको या फिर ताइवान को एक तरीके से इंप्रूवमेंट कैसे मिला, उनको इंप्रूवमेंट इस तरीके से मिला कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया अपने सर्विस सेक्टर को नर्चर करके, उसको तैयार करके। हमारे इंडिया में भी सर्विस सेक्टर बहुत ही बड़ा है, सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है हमारी इकोनॉमी में, राइट। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। मार्केट एक्सेस टू इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट इज नॉट ओनली इम्पेडेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ द इम्पोर्टिंग गवर्नमेंट, बट ऑल्सो बाय इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द मार्केट
बाय डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ सर्विसेज, है ना। तो जो पॉलिसीज हमारे इंडिया में बनाई जा रही है ना एक्सेस करने के लिए इंडियन इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट को, वो एक तरीके से सिर्फ इम्पेडेड नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर के, बल्कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन भी जो है वो लेकर के आती है, ताकि डोमेस्टिक सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो है उनको एक तरीके से राहत प्रोवाइड की जा सके। लेकिन ये रूल समटाइम्स इतने ज्यादा कड़े हो जाते हैं, इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं कि काम करना जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाता है, राइट। In this context, the lack of clear information about these measures have been a big handicap, है ना। तो जो lack of information है, India तो services provide कर रही है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों तक नहीं है। अब जब जानकारी नहीं होगी तो आप उस चीज का benefit नहीं ले पाओगे, है ना। जो भी rules and regulations बनाए गए हैं importing चीजों को लेकर के या फिर exporting चीजों को लेकर के, आप उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे अगर आपके पास information ठीक तरीके से नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा issue है, competitive advantage है हमारा। चीजें तो बहुत सही हैं, लेकिन आप इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे हो कि वो किस तरीके से काम करें, ठीक है ना। सातवां पॉइंट है, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज बाय इंडियन प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेज हैज नॉट बीन ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड। तो जो मार्केटिंग हम करते हैं भाई, मार्केटिंग पहली बात तो हम करते ही नहीं है, और जब करते भी हैं तो हम बहुत कम पैसे खर्च करते हैं, या फिर हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मामले में कुछ भी नहीं है। आप सपोज इंडिया की कोई एक कंपनी ले लो जो जो मोबाइल बनाती है, और एप्पल कंपनी का ले लो, आप उसके वेबसाइट पे जब विजिट करोगे ना तो दोनों में फर्क आपको समझ में आएगा। एप्पल का जो वेबसाइट है भाई वो गजब ही लेवल का है ना। तो मार्केटिंग कैसे खर्च किया जाता है, मार्केटिंग आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, अपने वेबसाइट को और बेहतर बना सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा जो तरीका रहा है मार्केटिंग का, वो एक तरीके से वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है, हम थोड़े से उसमें फिसड्डी है। द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज इंटरनेशनली हैज रीच्ड अ वेरी सोफेस्टिकेटेड लेवल, है ना। तो जो मार्केटिंग की जाती है वर्ल्ड लेवल पे, वो जो है बहुत ही सोफेस्टिकेटेड लेवल पे पहुंच गया है। जब आप एप्पल का एड देखते हो अपने टीवी पे, तो आपको लगता है ना कि काश हमारे पास भी एप्पल होता, क्योंकि उसकी कैमरा क्वालिटी, उसके फीचर्स एकदम धांसू हैं, राइट। तो हम उस तरीके से जो है इंटरनेशनल मार्केट में अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को सबसे पहले बात तो लेकर के जाना होगा, हमारे सर्विसेज को लेकर के जाना होगा, तो वो चीज में हम लोग जो है थोड़े से पीछे हैं। लेकिन इंटरनेशनली जो मार्केटिंग है सर्विसेज की, वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही है, राइट। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड हैज रिक्वायर्ड a particular significance for the acceptance of services by the consumer, है ना। तो जो quality of services है वो बहुत ही अच्छे तरीके से provide कराने की बात की जाती है consumer को, especially foreign consumer largely depend on not only on the quality but also on the perception of quantity। तो जो foreign consumers होते हैं वो सिर्फ quantity के ऊपर develop quality के ऊपर एक तरीके से dependent नहीं है, वो perception of quality के ऊपर भी dependent होते हैं, जहाँ पे आपको quality जो है अच्छी देनी पड़ती है ताकि वो जो है ठीक तरीके से काम कर सके, उनको जो है अच्छा लगे और वो हमारे साथ वापस से ट्रेड करें। Hence, प्रमोशन ऑफ सर्विसेज इन मार्केटिंग प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल, और इसी कारण से जो प्रमोशन है सर्विसेज का, मार्केटिंग मतलब उनका जो मार्केटिंग है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इंडिया में प्ले करता है और बाहर के देशों में भी प्ले करता है। इंडियन प्रोड्यूसर्स में ऑफर अ क्वालिटी प्रोडक्ट बट इट मस्ट हैव अ परसीव्ड सच एज बाय द कंज्यूमर। अब हमें हम सिर्फ अगर क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना, लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचना भी तो चाहिए। प्रोडक्ट हम लोगों ने बना करके रख दिया लेकिन उसको खरीदार उसका कोई नहीं है, तो मार्केटिंग आपके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो कि हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हमारा जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा घटा हुआ है। रिलायबिलिटी ऑफ सर्विसेज सप्लाई इज येट अनदर फैक्टर। अब यहाँ पे जो सर्विसेज सप्लाई है वो भी, उसकी रिलायबिलिटी भी एक अलग फैक्टर है कि किस तरीके से आप अपने सर्विसेज को सप्लाई करोगे, है ना, वो कितना रिलायबल होगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इंडियन प्रोड्यूसर्स वेरी ऑफन ओवरलुक द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई, है ना। तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो एक तरीके से ओवरलुक कर जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई के बारे में, सप्लाई के बारे में। सप्लाई हम अगर कहीं से हो रहा है और उसका अगर पिछला रिकॉर्ड रहा है कि भाई वो सप्लाई कुछ दिन करता है फिर बंद कर देता है, तो उससे तो हमें नुकसान होगा ना, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो आप सप्लाई कैसे करोगे। तो सप्लाई की रिलायबिलिटी कैसी है उसको चेक करना, उसको एक्सेस करना, उसको एक तरीके से मोटिवेट करना, उन सब चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, राइट। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस थे एंड डिसएडवांटेजेस थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।